इसी का सेकंड पार्ट अगर हम आते हैं ट्रैकिंग एफिशिएंसी में सेकंड पार्ट में, तो आप पाएंगे आप चाहे तो एक तो एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक, कहीं पे आपको एचसीपी, कहीं पे आपको सीसीपी मिले, समझ लो सब एफसीसी की बात कर रहा है। वही परसेंटेज एचसीपी में भी आएगी, हेजलो क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में भी आएगी, वही क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में भी आएगी, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। जब मैं डिस्कस करूंगा एचसीपी सीसीपी वहां डिटेल आप समझ पाएंगे। फिलहाल मैं एफसीसी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से अगर प्रेजेंट है तो किस तरीके से उसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये देखिए पहले मैंने बनाया यूनिट सेल, आप जानते हैं कॉर्नर्स पे तो एटम प्रेजेंट होंगे, ये आपका एफसीसी का स्ट्रक्चर था जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपको एफसीसी का जो ये एटम है इसे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा साथ में, इसे आप मान लेंगे ए, इसे मान लेंगे बी, इसे मान लेंगे सी। फॉर्मूला यही है, पहले हम बात करते हैं पहले नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम पहले निकालना पड़ेगा, दैट इज जेड इज इक्वल टू व्हाट। आप जानते हैं कि एट कॉर्नर पे है तो 1/8, ये पार्ट हम जानते हैं 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है, और ये पार्ट 1/2 पार्ट प्लस 6 × 1/2 इसको कटिंग करेंगे आप, कटने के बाद देखिए यहाँ पे 4 एटम आ जाएंगे। पहला काम है हम वॉल्यूम ऑफ एटम इन एफसीसी यूनिट सेल का निकालना पड़ेगा हमें, इसको 4 × 4/3 पाई आर क्यूब। पहले हमने यहाँ पे निकाला वॉल्यूम ऑफ एटम इन एफसीसी यूनिट सेल 16/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट पार्ट हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू, आप जानते हैं एक क्यूब होता है, बट यहाँ प्रॉब्लम है कि हमें इसे कंट्रीब्यूट कर रहा है तो इसे फेस सेंटर टू कंट्रीब्यूशन अटैक कर लेना पड़ेगा साथ में इसको। पहले हमें एसी निकालना पड़ेगा, व्हाट इज एसी, तो एसी का फॉर्मूला अगर देखें पाइथागोरस थ्योरम में आप आ जाएंगे इन ट्रायंगल, क्योंकि हमें ए को आर में कन्वर्ट करना है, जब आर में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो कटेगा नहीं, परसेंटेज प्रॉपर नहीं आ पाएगी, हमें एग्जैक्ट होल नंबर वैल्यू लाने के लिए इसे आर में चेंज करिए या तो उसको हम ए में चेंज, दोनों रास्ता है, आप आर को ए में चेंज कर दिए या ए को आर में, यहाँ पे ए को आर में चेंज कर रहा हूँ, तो इन ट्रायंगल आप आ जाएंगे पहले आप एबीसी में, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे एसी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो जाहिर सी बात ये भी एज लेंथ है, ये भी एज लेंथ है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू आपके पास ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। अब आप एसी को जरा गौर से देखें तो ये एसी बेसिकली मैंने ये बनाया, ये ए पॉइंट है और यहां से देखिए ऐसे सी बन रहा है, सी पॉइंट यहाँ पे एक आर, यहाँ पे दो आर, यहाँ पे फिर आर, तो आप इसको चाहे तो 4R का स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आर प्लस आर प्लस, क्योंकि फेस का आइटम हमें लेना जरूरी था। अब आप देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू आपके पास आ रहा है 2A² सॉल्व करेंगे आप तो ए स्क्वायर इक्वल टू होगा 16/2 आर स्क्वायर, कट करेंगे 2 × 16 तो ए स्क्वायर इक्वल टू आपका √8। अगर आप अभी न करें इसको आप ऐसे कर लें, ए स्क्वायर इक्वल टू 8R², अगर ए इक्वल टू करेंगे तो √8R², तो ये 2√2R आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 8। अब यह गौर करने की बात है, ए इज द एज लेंथ, आर द रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम अगर आपके पास गिवन है तो हम एज लेंथ पे निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की, तो निकालना आसान है, आप 2√2R का होल क्यूब कर देंगे, यहां पे होल क्यूब करने के बाद अब आप फिर वापस फॉर्मूला पे आएंगे,
पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, अगर आप देखें तो हमने फॉर्मूला लिखा था वॉल्यूम ऑफ एटम क्या था भाई, 16/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या निकाला हमने, 2√2 आर का होल क्यूब इंटू 100। इस करने के बाद जो वैल्यू आएगी आपकी वो तकरीबन होगी 74%। ये हो गया इतना परसेंट स्पेस एफसीसी में, एचसीपी एससीपी जहां कहीं कुछ बोलता है इतना परसेंट स्पेस इसका ऑक्यूपाइड होता है। बाकी वॉइड कितना होगा भाई, वॉइड इज इक्वल टू 100 - 74 दैट इज इक्वल टू 26%। आई होप सो, हाँ ये खाली जगह होगा। तो हमें ऑक्यूपाइड स्पेस भी देखना है एंड वॉइड स्पेस भी देखना। तो इस तरह से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। यह मकसद यही था इस चीज से कि आपको याद रखना है इसका एज लेंथ का रेडियस ऑफ एटम से क्या रिश्ता, ये भी याद रखना है। साथ में डेरिवेशन के लिए क्या तरीका से एफिशिएंसी 24% कैसे निकालते हैं उसका तरीका पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेरिवेशन वगैरह ये अक्सर पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये चीज अक्सर आती है, एज लेंथ दिया होगा, रेडियस ऑफ एटम की बात करेंगे। एज लेंथ हम सिंपल बता चुके हैं, दो एटम के बीच की दूरी को हम कहते हैं एज लेंथ। एटम मैंने यहाँ दूर दूर दिखाया बट एक्चुअली एटम्स आर क्लोजली पैक्ड एंड बिल्कुल करीब करीब इस तरह से होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ FCC, SCP, CCP, जहां कहीं भी कुछ मिले आपको लिखा हुआ तो आप इस तरीके से उसका डेरिवेशन करके निकाल सकते हैं। इससे पहले मैंने सिंपल क्यूबिक बताया, फिर आपको बता दिया FCC। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर BCC के बारे में डिटेल बताऊंगा।